जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं, आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं, आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं, आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन, द लास्ट 6 मंथ्स हैज सीन अप्रोक्सीमेटली 9 समन्स बींग डिलीवर्ड टू मिस्टर केजरीवाल, अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक, मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम, उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते। ये जांच एजेंसियां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती, ये जांच एजेंसियां एविडेंस के आधार पर काम करती है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं इससे पहले कि मैं दस्तावेज यहां प्रस्तुत करूं, जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छूट जाते और अंततो गत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का, और उसके एविडेंसेस उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने, 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपसना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। पांचवा समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है, कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो हम इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इलीगल है, आर दे इलीगल? क्या ये इलीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है, क्या दस्तावेज है? ये समन्स इलीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे। इन द कोर्ट ऑफ मिस दिव्या मल्होत्रा, ACMM 01, राउज एवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्यू दिल्ली। ये पहला डिस्प्ले मैं आपके सामने कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, ये 7 फरवरी 2024 का है, स्पष्ट रूप से उसमें शुरू होता है, This is a complaint filed under Section 200 of the Code of Criminal Procedure 1973, by way of this order, I shall decide whether there is sufficient material for taking cognizance
ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 एंड द ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड अक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल। कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में कहा गया, केजरीवाल जी ने जाके कहा कि जो ईडी ने समन भेजा था वो गैरकानूनी है और इसको विड्रॉ कराया जाए, ये ठीक नहीं। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैरकानूनी है, विड्रॉ किया जाए, मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है कि यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान ना करे तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, ये सेक्शन 174 है। तो केजरीवाल जी ने कहा मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि मैं तो राजा हरिश्चंद्र जी हूं और मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता हूं और इसलिए ये सब फर्जी बातें हैं। मगर यहां एक्यूज्ड के नाम से जज साहिबा ने उन्हें संबोधित किया और कंक्लूजन में जब जजमेंट दिया, मैं वो पन्ना आपको दिखा रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं, क्या कहा गया कंक्लूजन में 13 नंबर पैराग्राफ में, टू सम अप From the contents of the complaint and the material placed on record, prima facie offence under section 174 of the IPC 1860 is made out and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the Code of Criminal Procedure 1973 against accused Mr. Arvind Kejriwal. बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो अक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं प्राइमा फेसी अक्यूज्ड हैं। जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया, जो भी दस्तावेज मेरे सामने रखा गया, जज साहिबा कह रही हैं मैंने गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको समन दिया जाए तो आपको समन का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी के सामने एक्यूज्ड। आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक्यूज्ड बोलूंगा, एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक और उपाधि उनको मिली है, एके एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। आगे जज साहिबा क्या कहती है ये भी आप सुन लीजिए। अकॉर्डिंगली इश्यू समन्स टू अक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 फॉर 17-2-2024 अनाउंस्ड इन द ओपन कोर्ट टुडे ऑन 7th डे ऑफ फरवरी 2024। इसलिए आप और समन्स इश्यू करिए। कोर्ट ने कहा समन इश्यू करिए, कोर्ट ने कहा आप प्राइमा फेसी अक्यूज्ड हैं, कोर्ट ने कहा कि आपको अपियर होना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो समन्स थे वो इलीगल थे? तो मी लॉर्ड सर जी, क्योंकि सर जी जो सोचते हैं कि वही लॉर्डशिप है, तो मैं हम तो छोटे हैं, हम तो आम आदमी, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है वही सर्वे सर्वा है, तो मैं उनको ही कह रहा हूं मी लॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो सबमिशन था दैट हैज फॉलन फ्लैट, योर सबमिशन दैट दीज समन्स वर इलीगल हैज फॉलन फ्लैट, वो इलीगल नहीं थे मी लॉर्ड। आज आम आदमी भी समझ सकता है कि वो लीगल थे क्योंकि हिंदुस्तान की कोर्ट ने ऐसा कहा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा अरे ये क्या हो गया, कोर्ट ने तो मेरी पोल खोल दी। तो तुरंत भागे, कहां गए, फिर कोर्ट चले गए कि रिव्यू करिए, मैं तो बहुत बड़ा सत्यवादी पुरुष हूं, मेरे से बड़ा तो सत्यवादी कोई है नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको रिव्यू कर दीजिए, ये जजमेंट ठीक नहीं। तो कहां गए, फिर से कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइल किया, रिविजन पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 7-3-2024 जो ऑर्डर मैंने पढ़ा, stated to have been filed by the accused.
कोर्ट ने लिखा कि एक रिवीजन पिटीशन फाइल किया केजरीवाल जी ने, और फिर कोर्ट आगे कहती है कि वी रिवाइव्ड रिसीव्ड एंड पेरियूज्ड डॉक्यूमेंट्स, देयर इज नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट कहती है, नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। आपने रिवीजन के लिए फाइल किया केस कि नहीं, ये जो है अक्यूज्ड है, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है, इसको रिवाइज कर दिया जाए, सेक्शन 174 के तहत रोक लगा दिया जाए, मगर कोर्ट ने कहा नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स, कोई स्टे नहीं है जी, आप अपने आप को सेल्फ सर्टिस्फाई कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो कि मैं सबसे बड़ा सत्यवादी व्यक्ति हूं, किंतु आपको स्टे नहीं मिलता है, आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है ऑफेंस अंडर द सेक्शन 174 आईपीसी बीइंग बेलेबल, accused is admitted to bail upon furnishing of personal bond in the sum of rupees 15,000 with one surety of the like amount. Court कहती है कि आपके stay को हम proceed नहीं, उसको रोक नहीं सकते, कोई stay नहीं होगा उसके ऊपर, मगर हाँ जो summon आपको सरकार दे रही है, agency दे रही है, आप संविधान रूप से उसमें जाना चाहिए, नहीं जा रहे हैं उसमें संविधानिक प्राविधान के अनुसार गिरफ्तारी भी हो सकती है, किंतु हम उसमें, वो बेलेबल है, हम उसमें आपको बेल देते हैं। तो 15,000 के मुचलके पे बाहर है अरविंद केजरीवाल, और उस पे ऐसी मूछे ताव मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया, वो तो ऐसे ऐसे मूछे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है वो कातिल नहीं है, जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती। अरविंद जी आज आप उसी लीग में खड़े हो गए हो जिस लीग में सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं, ये भी तो मुचलके पे बाहर है। कोई 15,000 के मुचलके पे, कोई 30,000 के मुचलके पे, कोई 50,000 के मुचलके पे। सोनिया जी ने 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में गबन किया, आज मुचलके पे बाहर है। चिदंबरम जी आज मुचलके पे बाहर है। तो बेल पे बाहर होना कोई मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है। आपको बेल मिला है, आपको राहत नहीं मिली है, तो बेल को राहत के रूप में प्रस्तुत मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा हो जाएगा अगर प्रस्तुत करते चले जाएंगे, मगर फिर भी मुझे लगता है दो विषयों की यहां सफाई त्वरित गति से करनी चाहिए। कल बता रहे थे ये दिल्ली जल बोर्ड वाला विषय क्या है जी, इस पे कहां से समन आ गया, किसी को कुछ पता नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जो घोर भ्रष्टाचार हुआ है उस पे FIR हुई है, FIR के प्रति पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें जो कंप्लेंट्स है, कंप्लेनेंट्स का विषय आप यहां सारा लेखा जोखा है सब आप देख सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है जी, इसके लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। कृपया इसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन कहता है किसी को कुछ पता नहीं। शुतुरमुर्ग यदि बालू के अंदर अपने सर को मढ़ लेता है, उसका अर्थ ये नहीं होता है तूफान नहीं आ रहा है, तूफान तो आ रहा है। भ्रष्टाचार आपने किया है तो तूफान तो आएगा ही। दूसरा, के कविता का विषय है। के कविता मैडम अरेस्ट हुई, अरेस्ट होने के पश्चात उनको इंट्रोगेशन के लिए भेजा गया है। क्या स्टेटमेंट ईडी ने दिया है, मैं वो 4-5 लाइन पढ़ देता हूं अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान के लिए। अरविंद जी, ईडी कहती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट मिसेस के कविता अलोंग विद अदर्स कॉन्स्पायर्ड विद द टॉप लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया फॉर गेटिंग फेवर्स इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इन एक्सचेंज ऑफ दिस फेवर्स शी वॉज इन्वॉल्व इन पेइंग रूपीज 100 करोड़ टू द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी।
by the act of corruption and conspiracy in the formulation and implementation of Delhi Excise Policy 21-22, a continuous stream of illegal funds in the form of kickback from the wholesalers was generated for AAP. Further, Srimati K. Kavita and her associates were to recover the proceeds of the crime paid in advance to Aam Aadmi Party and to further generate profits or proceeds of crime from the entire conspiracy. ये आप सबके सामने है, आपने देखा होगा। आप सोच के देखिए, जो साउथ ग्रुप कोट अनकोट आपको पता ही है, एक कंपनी है, कई लोग इसमें, के कविता इसमें एक किंग पिंग थी। के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई कि नहीं हुई? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि आपकी कंपनी को हम, आपके जो पूरी कोहोट है उस कोहोट को हम यहां पर लाके बसाएंगे, उनके माध्यम से शराब का कारोबार यहां करेंगे, 12% का कमीशन दिलाएंगे, 6% का किकबैक लेंगे, 100 करोड़ रुपए आप हमें दीजिए, उसमें से 50 करोड़ रुपए तुरंत दीजिए, अंततो गत्वा उनके खुद के ऑनगोल के जो एमपी है मंगूटा जी का स्टेटमेंट भी मेरे पास है। मंगूटा जी ने बड़े स्पष्ट रूप से यहां कहा हुआ है, ईडी के पास वो स्टेटमेंट है, We thought we can do liquor business in Delhi and to know from the government. I have asked for time to meet Shri Arvind Kejriwal. Then this office has given time to me for meeting him at Secretariat on 16/3/2021 at 4:30 PM. Regarding the liquor business, earlier Mrs. Kavita, daughter of Chief Minister of Telangana K. Chandrasekhar Rao, has already approached me to do liquor business in Delhi and offered to pay rupees 100 crore to the party, that is Aam Aadmi Party, and she will call you in the liquor business connection, or you call her, discuss about the future, since already their team is working in Delhi. Ye Arvind Kejriwal ji ke member of parliament ka, Kavita ji ke member of parliament ka statement on record hai. Ab unka beta shayad approver bhi hai. Ye sab public domain pe hai. और केजरीवाल जी आप कहते हैं धब्बे नहीं है, ये धब्बे हैं। आपने विश्वास का कत्ल किया है, इतने कागज हैं, ये सब छींट है, क्योंकि समय नहीं है इन सब को गिनवाने का। मैं फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, कहीं कहीं से एक एक लाइन पढ़ देना चाहिए, ये धब्बे आपके सामने आने चाहिए, ये जो कत्ल हुआ है और उसके खून के छींट आप भी देखिए। एक पन्ने पे लिखा हुआ है, इन दिस मैनर इट इज एम्प्टी क्लियर दैट मिस के कविता हैज एक्टिवली डिस्ट्रॉयड द डिजिटल एविडेंस टू कंसील हर रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैम। एक धब्बे में यह भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ वन स्टाफ ऑफ एरएसटी मिसेस के कविता डेटेड 8/8/2023 रिवील्स दैट ही कलेक्टेड टू हैवी बैग्स कंटेनिंग कैश फ्रॉम श्री दिनेश अरोड़ाज ऑफिस ऑन श्री अभिषेक बोइनपाली डायरेक्शंस एंड डिलीवर्ड इट टू श्री विनोद चौहान। आप जानते हैं नारायणा में विनोद चौहान कौन है। उसके बाद kickbacks to the government functionaries to gain illegal benefit in the excise policy was paid to the amount of rupees 100 crores to AAP leaders. आप देखते जाइए, हर पन्ना कुछ कहता है, हर पन्ने में दास्ता बयां है। इस पन्ने में क्या है? इस पन्ने में है कि के कविता had discussed opportunities in the Delhi business, liquor business with AAP leaders. As a result, K. Kavita got stakes in the business of Indo Spirits and made Sri Arun Pillai represent her in the business on her behalf. Delhi mein Arun Pillai unko represent kar rahe the. Is panne mein hai ki Arun Pillai 32.5% ke partner the. Ek dusre ko help kar rahe the. Is sare pannon mein, excise policy was formulated with 12% profit margin for L1 wholesaler. Out of this 12%, 6% profit was earmarked as kickback to be given to Aam Aadmi Party. अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी आता है। एक फोन है, विजय नायर, आप जानते हैं विजय नायर को, बहुत बार विजय नायर के बारे में चर्चा हो चुकी है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल जी के हेंचमैन हैं, खास व्यक्ति हैं, बातचीत भी आप लोगों ने दिखाया है। विजय नायर एक व्हाट्सएप चैट भेजते हैं, उस व्हाट्सएप चैट में यह है, व्हाट्सएप चैट की प्रति जिसमें लिखा है वी नीड्स मनी, वी कहां तो हम वी को विक्ट्री सोचते थे,
कहा तो इन्होंने वी का भी, वी नीड मनी। आप बताइए ये हालत आज अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। कुछ संजय जी ने लिख के दिया है, कत्ल करे हो कि करामात करे हो, उनको तो लगता है उन्होंने करामात किया है। देखिए दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता, जनता जनार्दन होती है, आंखों से पढ़ लेती है गारंटी किसके पास है और भ्रष्टाचार किसके पास है। जो लोग कभी ऑटो में लटक के आते थे वो लोग आज करोड़ों खरब रुपए कमा रहे हैं। लूटा है हमें, समन से दूर भाग रहे हैं, भागी। कहावत है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। केजरीवाल जी आप कहां भागिएगा, कानून के हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस देश में, यह एक लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व का अगर तंत्र को देखा जाए तो हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र नहीं है। आपको क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, क्या कानून और इस प्रक्रिया से भाग सकता है? आखिर कब तक भाग सकता है? और पोस्चरिंग, जिसको अंग्रेजी में पोस्चरिंग कहते हैं, आप पोस्चरिंग भी कब तक कर सकते हैं? जब दस्तावेज होते हैं, सबूत होते हैं, कहानी चीख चीख के अपने आप को बयां कर रही है, वैसे में कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। अंत तो गत्वा सत्य पकड़ ही लेती है। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। समटाइम्स आई पिटी द फिंगर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, यू नो। आई डोंट नो हाउ मेनी डायरेक्शन द फिंगर्स ऑफ आम आदमी पार्टी हैव चेंज्ड। इनिशियली यू रिमेंबर द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टू लालू प्रसाद यादव, द फिंगर वॉज पॉइंटिंग टू सोनिया गांधी, द फिंगर वॉज पॉइंटिंग दैट मिस्टर वाड्रा इज द मोस्ट करप्ट मैन, द फिंगर पॉइंटेड टूवर्ड्स राहुल गांधी इज द मोस्ट करप्ट पर्सन इन दिस अर्थ, एंड देन दे शेक्ड हैंड्स एंड ऑल द फिंगर्स केम टूगेदर। सो एज फार एज द फिंगर ऑफ आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, आई वुड रादर टॉक अबाउट फिंगर फ्राई, नॉट द फिंगर्स। देखिए मैडम ने हमसे पूछा कि ये जो उंगली आम आदमी पार्टी की है वो बीजेपी के दिशा में इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं ये दास्ता जो समन्स का है वो बीजेपी करवा रही है। मुझे शिकवा किसी से नहीं है, गिला और शिकवा है और दया है तो मुझे आम आदमी पार्टी के नेता के उस उंगली पे। क्या क्या खेल करवा रही है आम आदमी पार्टी के मस्तिष्क, अपने उस उंगली से सोचिए जरा। वही उंगली जो पहले उठती थी सोनिया गांधी जी की तरफ कहते हुए कि ये सबसे भ्रष्ट है, वही उंगली आम आदमी पार्टी की जो उठती थी लालू प्रसाद यादव को सबसे भ्रष्ट कहते हुए, वही उंगली जो रॉबर्ट वाड्रा को कहती थी कि ये सबसे भ्रष्ट है, वही उंगली जो दूसरों की तरफ उठती थी वो उंगली आज उनके साथ हाथ मिला रही है। और आज वो उंगली क्रेडिबिलिटी की उंगली नहीं है। जनता अपने उंगली का कमाल दिखाएगी जब एक उंगली से बटन दबाएगी और कमल को जिताएगी। देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तथ्य पब्लिक डोमेन में है, जो आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, उसको एक सूत्र में पिरो करके लॉजिकल रूप से आपके समक्ष रखा, जो कि एक प्रवक्ता का कर्तव्य है, धर्म है। कौन किसको कब अरेस्ट करता है, जांच एजेंसी का काम करने का तरीका कैसा है, कोई अरेस्ट होता है नहीं होता है, यह प्रवक्ता का या राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। यह देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से एजेंसियां काम करती है, कोर्ट काम करती है, इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। देखिए एक बात तो स्पष्ट है और आप खुद ही मान रहे हैं, हिंदुस्तान मान रहा है। आप याद करिए इसी प्रकार का दो दो पांच, इसी प्रकार का द्वंद जब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए थे या मनीष सिसोदिया जी पे केस चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें भी पाक साफ कहा था। उससे पहले सत्येंद्र जैन के ऊपर भी इसी प्रकार की कहानी चल रही थी कि वो तो बिल्कुल सच्चे व्यक्ति हैं जी, हमने उनको गलत तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कराते हुए गिरफ्तार कराया। मगर नतीजा आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया और आज दोनों नेता जेल के अंदर हैं, संजय सिंह भी जेल के अंदर है। यह दिखाता है स्पष्ट रूप से कि आम आदमी पार्टी के पास तथ्य नहीं होता। जहां तक गिरफ्तारी इत्यादि का विषय है,
इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता का टिप्पणी करना उचित नहीं है और ये हमारे परिसीमन से बाहर है। किस प्रकार से ईडी काम करती है, किस समय वो समन भेजती है, कौन गिरफ्तार होता है कौन नहीं होता है, यह परिसीमन हमारा नहीं है, यह उनकी परिधि है। दैट लाइज विद इन द बाउंड्री ऑफ द एजेंसीज व्हिच आर इन्वेस्टिगेटिंग। यह प्रश्न आप तो वहां भी जा सकते हैं, आप तो हर जगह उपस्थित हैं, आप उनसे पूछेगा वो उत्तर देंगे।